Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is law of mass action and derivation of an expression for equilibrium constant. इसको देखें कि law of mass action दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया है, एक है सी एम गुलबर्ग और दूसरा पी वेग ने. तो दो साइंटिस्ट है सी एम गुलबर्ग और पी वेग, उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दी है इन 1864. कब दी है? 1864. लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय सी एम गुलबर्ग एंड पी वेग इन 1864. ये कब दी है? 1864 में दो साइंटिस्टों ने लॉ ऑफ मास एक्शन दी है. तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट. कोई भी लॉ होता है तो उसकी क्या होगी? स्टेटमेंट. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन की? तो इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए आप एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे. जनरल रिवर्सिबल का मतलब है कि कोई ऐसा रिएक्शन ले जिसमें आप कोई रिएक्टर प्रोडक्ट को स्पेसिफाई ना करें, स्पेसिफिक कोई रिएक्टर प्रोडक्ट ना ले, बल्कि जनरली हमने ए कहा कि कोई रिएक्टर है जो रिएक्ट करता है किसी और रिएक्टेंट बी से रिवर्सिबली. डबल एरो रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिवर्सिबल रिएक्शन को. उस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं सी और डी. जनरल हमने क्या लिया? रिवर्सिबल रिएक्शन. अब इसमें ए का कोई ना कोई क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल बी से, इसे हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल सी से, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल डी. ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. मसलन C2H5OH अल्कोहल का रिएक्शन कराएं आप एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन करने में क्या बनेगा? CH3COOC2H5 एस्टर बनेगा प्लस H2O. तो हमने मतलब इसको हमने स्पेसिफिक कोई रिएक्टेंट नहीं लिया, बल्कि इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? A से जनरल फॉर्म में. तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? B से. इसको हमने रिप्रेजेंट किया C से. इसको हमने रिप्रेजेंट किया D से. और अब इसमें बैलेंस करेंगे तो ये पहले से बैलेंस है, तो यहां 1 लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब क्या है? 1 1 1. तो सारे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स कितने कोएफिशिएंट है? 1. तो अब इसको हमने यहां A B C और D से रिप्रेजेंट किया. तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट समझने के लिए हमने क्या किया? एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिया. अब इस बेस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को समझेंगे कि ये डील करता है किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कहते हैं किसको? स्पीड को. किसको कहेंगे? स्पीड को. यानी एक तो आप अपने मिसाल मैंने आपको दी थी स्कूल और घर आने जाने की, क्या होती है खास? क्या होती है? स्पीड होती है. मतलब कोई 10 मिनट में पहुंचता है, कोई 20 मिनट में, कोई 50 मिनट में, कोई घंटा, कोई डेढ़ घंटे में. फासले के बेस पे फासला ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम होगा तो टाइम कम लगेगा. कभी कभार आप गाड़ी आपको मिले तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं घर. तो मुख्तलिफ फैक्टर्स आपकी स्पीड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. अब कोई भी रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? कौन सी चीज होगी तो उनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी. कौन सी चीज ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी. कौन सी चीज कम होगी तो स्पीड कम होगी. जिस तरह घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, रास्ते में क्या है? कीचड़ है. तो आप घर जाने की जो आपकी नॉर्मल जो स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी. गाड़ी मिले तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी. इसी तरह कोई भी रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन की स्पीड या उसकी जो रेट है, रेट कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम. खास टाइम में उसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है उसको क्या कहते हैं? रेट कहते हैं. अब जब ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है? फास्ट है. तो रेट कहते हैं इस चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें, और चेंज इन टाइम. तो जितनी कंसंट्रेशन में चेंज ज्यादा आएगी स्पेसिफिक टाइम में, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट होगी. तो अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक. तो अब इस स्टेटमेंट आप देखें, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये किस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब रेट को हम रेट की लिखते हैं. रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के किसके? प्रोडक्ट के. मतलब इसमें आपके पास प्रोडक्ट है एक ए, दूसरा क्या है? बी. तो इसको एक ए
लिखे और B, तो इनके दरमियान कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रही है दो, तो A और B का प्रोडक्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट जो लिया, ये क्या लिया हमने, कंसंट्रेशन को, इसको लिया कंसंट्रेशन, जिस तरह आपने नाइन में पढ़ा था मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो ये हमने क्या लिया, रिएक्टेंट A के कंसंट्रेशन ले ली, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, रिएक्टेंट B, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको, कंसंट्रेशन को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन, या इसको आपकी बुक में एक्टिव मास भी नाम दिया है, या इस कंसंट्रेशन को क्या नाम देते हैं, एक्टिव मासेस कहते हैं। तो अब देखें रेट ऑफ रिएक्शन, अब दो तरह के रिएक्शन इसमें, इसको भी पहले समझे, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्टेंट कौन से हैं, ए और बी। रिवर्स रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्टेंट कौन से हैं, सी और डी। जब डायरेक्शन इधर से उधर जाएगी तो ये जो चीजें मिल रही हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, उन रिजन में जो चीजें बनती है उनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड के लिए ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, रिवर्स के लिए सी और डी क्या है, रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्टेंट कौन से है, ए और बी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट ए है दूसरा रिएक्टेंट बी है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को, तो इनके दरमियान कुछ ना लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, तो जितना इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी, क्या होगी, फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू अ पावर, जो कंसंट्रेशन किस पे जाएगी, पावर पे जाएगी, वो पावर किसके इक्वल होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक उन रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उन रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट, मतलब रिएक्टेंट ए का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए है, बी का क्या है, स्मॉल बी, तो ये उनके क्या होंगे, पावर में जाएंगे, तो उनका कोएफिशिएंट पावर में लेके उनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, जितना इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी, क्या होगी, फास्ट। मतलब अगर आपने लिया रिएक्टेंट्स है, सपोज करें एक रिएक्टेंट इस क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कितने मोल है, 2 मोल, दूसरे के कितने मोल है, 2, अब उसका अगर कोएफिशिएंट इसका क्या है, 2 है किसी रिएक्शन में, दूसरे का भी क्या है, 2 है, तो इनको आप क्या करेंगे, 2 और 2 4, 2 पावर लेंगे तो क्या आएगा, 4, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, एक केस ये है, दूसरे केस में पावर नहीं है, सिर्फ आपके पास एक कंसंट्रेशन क्या है, 2 है, दूसरे के आपने कंसंट्रेशन कितनी है, 1 ली है, पावर दोनों में क्या है, 1 है, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 आएगा, तो आप इस केस में प्रोडक्ट क्या है, कम है, इन केस में प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, तो जिस केस में प्रोडक्ट ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी, तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस केस में, क्योंकि यहां प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको मालूम है कि उसको क्या करता है, दूसरी जो चीज वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शन की अलामत है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू ए पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन भी क्या है, कंप्लीट।